guys, welcome back to our channel. I'm Shweta. I'm Shreya. So guys, कैसे हैं आप लोग? We hope ठीक है और ध्यान रखें अपना. बारिश का मौसम चल रहा है, बारिश ही नहीं हो रही है और बहुत जगह फ्लड भी आया है. हिमाचल मंडी वगैरह में फ्लड आया है, तो वी होप सब सेफ है, ठीक है और जल्दी जल्दी वहाँ की जो हालत है वो ठीक हो जाए. हाँ, अभी तो काफी मतलब न्यूज आई है कि ठीक हो चुकी है, सो वी होप सब ठीक हो और अच्छा हो सब. सो वीडियो पे चलते हैं. तो आज हम लोग रिएक्शन देने वाले हैं ट्रिगर्ड इंसान के न्यू वीडियो पे, जो है फुकरा इंसान वर्सेस पूजा भट्ट गैंग इन बिग बॉस. तो हमने ट्रिगर्ड इंसान के लास्ट उस वीडियो पे रिएक्शन दिया था. नहीं, लास्ट जो मतलब लास्ट जो उनकी वीडियो आई थी, बिग बॉस की वीडियो आई थी रोस्टिंग वाली, तो उस पे हमने रिएक्शन दिया था. सुपरस्टार फुकरा इंसान. तो फिर से आई थिंक रोस्टिंग किया है, क्योंकि रोस्टिंग करता है ट्रिगर्ड इंसान, हमें पता है. तो हम लोग पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग रिएक्शन देंगे. तो स्टार्ट करते हैं. नमस्कार, यह वीडियो बिग बॉस में बोली गई बातों का फैक्ट्स के साथ जवाब देने के लिए बनाई गई है, क्योंकि काफी सारी बातें बोली जा चुकी है और भाई होने के नाते मेरे को तो बहुत खुन्नस आ रही. लेकिन अगर आपको सच से एलर्जी है तो ये वीडियो देखने के बाद आपको काफी तकलीफ हो सकती है, बट मुझे क्या, तेल लेने जाओ. मेरे को मेरी पनिशमेंट हुई, वो मेरे को उसके आप जाइए, मेरे से बात ना करिए. अगर आप ठीक है मैम, नहीं है तो मेरे से बात. मैम अगर आपको भी बात नहीं करनी तो आप मत कीजिए, मेरे को कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं है. बट मैंने कोई मिस्टेक करी, मेरे को उसके लिए पनिशमेंट मिल गई. परवरिश ऐसी हुई है. वाओ, आयरनी देख रहे हो, परवरिश की बात कर कौन रहा है. कुछ चंद पैसों के लिए ना हमने अपने खुद के पिताजी के साथ और इनके पिताजी महेश भट्ट और उनकी बेटी की उम्र की लड़की रिया चक्रवर्ती के अफेयर के बारे और सुशांत सर के केस में महेश भट्ट के इन्वॉल्वमेंट के बारे में तो मेरे भाई की परवरिश के बारे में बोलने वाले ये लोग पूरे दिन निकोटीन की च्युइंगम में चबाते हैं ताकि इनको सुट्टा पीने की तलब ना मचे. और मेरा भाई जो ना ही सुट्टा पीता, ना ही दारू पीता, ना ही कोई उसको गलत आदत, ना ही कोई नशा करता है, उसकी परवरिश. शर्म करो, तुम अपने घर में अपने माँ बाप से भी बात करते होंगे, तुम अपने माँ पे तन तन के जाते होंगे. ये फलकनास इसका खुद का भाई शिजान खान टुनिशा शर्मा मर्डर केस में जेल में था और ये मेरे भाई के संस्कारों के बारे में बोल रही है. ये आयरनी हो रही है जी. मेरी बहन से बनती नहीं है, हमने 2 साल से बात नहीं करी है, वो हमारे लिए एग्जिस्ट नहीं करती है. ये फलक नास के खुद के शब्द थे एक मीडिया इंटरव्यू में अपनी सगी बहन के लिए. फलक ने कहा था, पिछले 2 सालों से मैंने शफक से कुछ भी नहीं सुना है, हम संपर्क में नहीं है. और ये मेरे भाई की परवरिश के बारे में बोल रही है. ये इसकी पूरी फैमिली को मीडिया के सामने बैठ के इसके भाई के बेगुनाही के सबूत देने पड़े थे कि वो बेकसूर है, उसे बख्श दो. यही तो परवरिश है, यही तो संस्कार है, यही तो आयरनी है. आयरनी हो रही है जी. और ये मिस्टर अविनाश, इसके बारे में तो वैसे भी इसके बारे में मैं क्या ही बोलूं, इसको तो सल्लू भाई ने इसकी सही जगह दिखाई दी थी. अविनाश, इस शो में आप खुद तो कहीं नहीं पहुंच पा रहे हो, हम ही आपको कहीं पहुंचा देते हैं. जाइए अविनाश एंड एंजॉय द शो फ्रॉम द अविनाश. सुबह हम बात कर रहे थे ना, ये वही वाले बच्चे हैं जो सिर्फ मदर्स डे पे कंटेंट के लिए मदर्स डे विश कर देते हैं, फोटो क्लिक कर देते हैं, उसके बाद यार मम्मी जाने दो ना, यार करने दो ना भी. you know, ये जो इसने मदर्स डे वाली बात करी, द फनी थिंग इज कि मैंने और मेरे भाई ने आज तक किसी भी मदर्स डे, फादर्स डे या कोई भी ऐसा डे होता है उस पे कभी फोटो पोस्ट करके सोशल मीडिया पे ये जताया नहीं है कि आज का दिन स्पेशल है, क्योंकि हम मजाक में ऐसे बोलते रहते हैं कि यार एवरी डे शुड बी मदर्स डे, एवरी डे शुड बी फादर्स डे, उनको एक ही दिन पे क्यों स्पेशल फील कराएं, हर रोज स्पेशल फील करवाओ, मजाक में ही बोलते हैं. बट ठीक है, पर ये तो हमारी माता जी तक ही पहुंच गई कि अभिषेक तो अपनी मम्मी की डिसरिस्पेक्ट करता होगा, उनसे ढंग से बात नहीं करता होगा. अरे तुम्हारी अनबन हुई अभिषेक से, तुम्हारे जो मन में आया तुमने बोल दिया, चलो ठीक है, पर तुम्हारा भाई तो जेल में है. अरे उसको तो चढ़ा ले, खून तो नहीं किया कम से कम मेरे भाई ने. Excuse me, 2023 and these guys are allowed to say this, वो भी national television पे? Hello? यही चीज अगर मैंने बोली होती या किसी और यूट्यूबर ने बोली होती तो उसके पुतले जला रहे होते, नारे लगा रहे होते उसके अगेंस्ट, बट ये कूल है, everybody is fine with it. Hello, LGBTQ community वालों, तुम्हें इस चीज से कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है भाई, मेरे को क्या. और यहाँ पे अविनाश ने जनानी वर्ड का इस्तेमाल किया है अभिषेक के लिए, बिकॉज उसका मानना है कि अभिषेक जो है वो पीठ पीछे बातें करता है, इधर की बात उधर करता है. एक्सक्यूज मी अविनाश, एक्सक्यूज मी, तुझसे बड़ा दोगला आदमी इस घर में कोई नहीं है. एक्चुअली बिग बॉस की हिस्ट्री में आज तक तुझसे ज्यादा दोगला आदमी नहीं आया है, जो एक जगह आके अभिषेक की चुगलियां कर रहा है, उसको मिडल फिंगर दिखा रहा है, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, पता नहीं क्या क्या बोल रहा है. और जब तुझसे पूछा जाता है कि तूने अभिषेक को मुंह पे ये चीज क्यों नहीं बोली,
तो तू कहता है उस वक्त जोन में था ना इसलिए कुछ नहीं बोला, वरना तो तभी रिप्लाई कर देता। वाह क्या डबल स्टैंडर्ड्स वाला आदमी है यार। बस कर भाई कितनी चुगलियां करेगा, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? इसके लगाओ बे, ए मारो इसको। ये प्राणी आहा क्या बात है, एक बार बस इसको देखो, ये प्राणी यस ये एक प्राणी है यस यस, बस बस देखो, कुछ नहीं बोल रहा भाई, कोई कुछ नहीं बोलेगा, बस देखेगा। वाओ व्हाट अ कुदरत का करिश्मा दिस इज। ये टुनटुन मौसी मिक्स डॉली बिंद्रा जैसी दिखने वाली प्राणी, इसको लोग झेल कैसे रहे हैं? मैंने 2 मिनट बिग बॉस देख लिया था, इसकी आवाज सुन सुन के मेरा टीवी पे मुक्का मारने का मन कर गया था, और जो कान से खून निकला था वो अलग। अपने भाई पे तरस आता है, भगवान से प्रार्थना करता हूँ मैं कि मेरे भाई को शक्ति दे कि इस प्राणी को झेल सके वो। इतना बदतमीज है, उसको जबान पे लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं है, मैं को नहीं सुनती इसकी आवाज। प्लीज वो बात कर दे, अबे ऐसे कोई चुप करवा, मैं को नहीं सुनती इसकी आवाज। बेबी का हमारी कोई इज्जत नहीं, हमारा कोई लेवल ही नहीं है। फॉलोअर्स का मतलब क्या है? पर गुरूर तो उसी बात का है भाई, इनको एक नंबर है। बाय गॉड ये लोग अभिषेक के पीछे हाथ धो के पड़ चुके हैं। प्रोबेबली इनको लगता है कि वो इजी टारगेट है, इनके अकॉर्डिंग उसके फॉलोअर्स फेक है, इनके अकॉर्डिंग उन्हीं फेक फॉलोअर्स का उसमें घमंड भी है। गुरूर तो उसी बात का है। फॉलोअर्स कितने असली है नकली है वो तो मिडवीक की वोटिंग में पता चल गया था, जहाँ पे अभिषेक को 2.1 मिलियन वोट्स पड़े थे। इतनी तो बिग बॉस वालों की वॉचिंग नहीं होगी जितने उसको वोट्स पड़ गए थे। तो तुम देख ही सकते हो कि हवा किसकी चल रही है। सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट हुई अभिषेक से कि वो लड़का बोलता कुछ है करता कुछ और इस उम्र में सारे आंसर्स जो सवाल लिखे नहीं गए हैं उसके भी जवाब है उनके पास में। और ये टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी। बेबी का चाहे तो अभिषेक को कंटेंट चोर बोले, वो उसको थप्पड़ मारने की धमकी दे, या फिर उसको वो कुछ भी जो उसके मन में आए वो बोले, लेकिन अगर अभिषेक उसका रिप्लाई कर दे तो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी। ये मर्दों से प्यार से बात करता है ताकि पिटे ना, और औरतों के सामने धौंस जमाता है, ये कहाँ की मर्दानगी है? अभिषेक जो है वो मर्दों से जो है इज्जत से बात करता है ताकि वो उसको पीट ना दे, लेकिन लड़कियों की डिसरिस्पेक्ट करता है। मैं तुम लोगों को बता दूं कि अभिषेक की हाइट 6'3" है, अभिषेक ऑलमोस्ट 100 किलो का आदमी है, उसके डोले का साइज मेरे हिसाब से 18 इंच है, बट हो सकता है थोड़ा सा कम या फिर ज्यादा हो। और जहां तक बात रही फिजिकल पावर की, ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ही इज माय ब्रदर। कितना जिम करता है, कितना वेट लिफ्ट करता है, आई नो, मेरे को नहीं लगता उस घर के अंदर वो किसी से भी डरेगा। ठीक है, वो सबकी रिस्पेक्ट करता है, जो उससे ढंग से बात करेगा उसकी वो रिस्पेक्ट करेगा। आई डिमांड रिस्पेक्ट, अगर तुम रिस्पेक्ट दे सकते हो तो बात करो, नहीं कर सकते फाड़ में जाओ। ये घर के अंदर ये पूजा फलक और बेबी का ये सिर्फ वुमेन कार्ड खेले जा रही है कि हम कुछ भी करेंगे, लेकिन आप सामने से हमारे बारे में अगर कुछ भी बोल देंगे तो हाउ कैन यू से दैट टू अ वुमेन। औरतों के सामने धौंस जमाता है, ये कहां की मर्दानगी है? अरे तुम उसका कैरेक्टर असैसिनेट कर दो चाहे तो, लेकिन अगर वो थोड़ा सा रिएक्ट कर दिया, ओ माय गॉड आप तो अब हर महिला के साथ ऐसे ही बात करते होंगे, आप तो अपनी मम्मी की भी इज्जत नहीं करते होंगे, तू ऐसे रोएगी किसी को भी नहीं अच्छा लगेगा। तू कौन सा दूध का दूल्हा है, रातों रात बाहर फेंकवाना चाहता था ना, अब तू जा यहां से। बेबी का जब रो रही थी अभिषेक उसको मनाने के लिए गया कि यार बेचारी रो रही है, चलो उसको कंसोल कर देते हैं थोड़ा सा। क्या हुआ? तू कौन सा दूध का दूल्हा है? वो उस पे उल्टा चढ़ गई, उसी पे चिल्लाने लग गई कि तू भी ऐसा ही है, तू ये करता है, तू कौन सा दूध का दूल्हा है। एंड द फनीएस्ट पार्ट, वीकेंड का वार, सलमान खान ने खुद बेबी का को बोला सामने से कि हाँ तुम पोक करती हो, लड़ती हो लोगों से, तो कह रही है नहीं मैं नहीं करती। अब टुनटुन मौसी अंधे थोड़ी ना है, लोग 24/7 बैठ के लाइव देख रहे हैं लोग, और तुझे सलमान खान खुद के बोल रहा है कि तू करती है, तो कह रही है मैं नहीं करती। और फलक को भी सलमान ने बोला कि तुम परवरिश की बात क्यों करती हो, हमेशा माँ बाप पे घर वालों तक क्यों पहुंच जाती हो, तो वो अभिषेक को पीछे में जाके बोलती है मैंने परवरिश पे नहीं बोला, दान, 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 मैं जमीन में गड़ जाऊंगी अगर मैं परवरिश पे, ये वही वाले बच्चे हैं जो सिर्फ मदर्स डे पे कंटेंट के लिए। अरे तू जाके अपने भाई को जेल से निकलवा यार। अभिषेक के अगेंस्ट ज्यादातर लोग घर में इसलिए हैं क्योंकि वो पूजा का पिछलग्गू नहीं है, उसके पीछे पीछे नहीं चल रहे, पूजा की चाट नहीं रहे बेसिकली, क्योंकि ये 99% लोग जो बिग बॉस के घर में आए हुए हैं ना, इनको सिर्फ लगता है कि पूजा जो है वो एक प्रोड्यूसर है, तो वो शायद रोल दे देगी इनको अपनी फिल्मों में। शो की तरफ से मुझे लगता है अनफेयर एक वो दिया जाता है कि ऑफ कोर्स शी इज पूजा, बट आई मीन शी यूज्ड टू बी अ टॉप एक्ट्रेस बिफोर वी वर इवन बोर्न, गाइस कम ऑन मैन, हाउ कैन यू इवन से एनीथिंग टू हर। कितने मूवी करे इसने? वन। वैसे भी उसकी फ्लॉप फिल्में देख कौन रहा है, और मुझे तो वैसे भी नहीं जाना है, तो मैं तो बोल सकता हूँ पूजा भट्ट इज बेसिकली महेश भट्ट की मूवी की एक टिपिकल च्युइंगम चबाती हुई वैम्प, एंड अभिषेक क्योंकि उसकी पूजा नहीं करता है, यू गेट द पॉइंट।
अपन, पूजा की पूजा, इस वजह से पूरा घर अभिषेक के अगेंस्ट है। बट ऑडियंस तो अभिषेक के साथ है ना, पूरी यूट्यूब कम्युनिटी ने जितना प्यार दिखाया ना, आई लव यू ऑल यार, सीरियसली। हर एक यूट्यूबर मैंने देखा है अभिषेक के लिए खड़ा हुआ है, उसके लिए सपोर्ट कर रहा है। कीप डूइंग दैट गाइस, एंड इस वीडियो को लाइक करना इफ यू एंजॉयड इट। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। भाई साहब क्या रोस्ट किया है, बहुत सही पॉइंट्स बोले हैं। सबसे बहुत सही बात, सबसे पहली बात ये बेबी का मुझे नहीं पता ये क्यों, कौन है ये, क्यों फेस रीडर, ये क्यों है, ये किस लिए है, फेस रीडर, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट हर एंड मुझे जानना भी नहीं है ये कौन है। बट यार प्लीज इसको जितनी जल्दी हो सके ट्रिगर्ड इंसान को प्रपोज किया है बेबी का, लिटरली बड़ा ट्रिगर्ड इंसान आता तो अच्छा होता, उसको कोई दिखाओ कि ट्रिगर्ड इंसान ने उनको रोस्ट कर दिया। इवन अभिषेक ने बोला भी कि मेरा भाई देख जाके तुझे बाहर रोस्ट कर रहा होगा, बोले नहीं नहीं मुझे रोस्ट नहीं करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वो सोच भी कैसे सकती है, वो सोच भी कैसे सकती है, मतलब सीरियसली यार, नहीं यार बिल्कुल नहीं। वैसे ये सब स्टार्टिंग फेज का था, वो जो बोला ना, ये लड़की बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, शी इज वेरी टॉक्सिक, बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, ये लिटरली इंसान की जिंदगी में आग लगाने वाली लड़की है, ये किसी को शांति में देख ही नहीं सकती। मतलब स्टार्टिंग ये जो पॉइंट्स बेसिकली ट्रिगर्ड इंसान ने, निश्चय ने जो उठाया है वो था स्टार्टिंग वीक्स में जो हुआ था, मतलब वो जो ये जो वीकेंड का हुआ, वीकेंड का वार हुआ, उसके पहले जो वीकेंड का वार हुआ उसके पहले ये सब हो रहा था। तो फिर जब अभिषेक को देखा कि बूस्ट मिल रहा है सब, तब सब चेंज हो गए। जब देखा कि सलमान ने भी उसको सपोर्ट कर कर बोला है, तब उन लोगों को समझ में आया अच्छा नहीं, मतलब बाहर कुछ अलग ही चल रहा है, तो हमें भी अच्छा दिखने के लिए उसके सपोर्ट में बोलना होगा। सही बोला कि वो जो बोला कि वो जस्ट बिकॉज पूजा के साथ पीछे नहीं चल रहा है। मैं सच बात बता रही हूँ, मैं सच बात बता रही हूँ, मुझे ना पूजा की कोई फिल्म के बारे में पता है, ना उनकी कोई मूवी के बारे में पता है। एंड जो उन्होंने बोला कि फॉलोअर्स क्या है, इट्स जस्ट अ नंबर, इट्स ओनली अ नंबर, तो आप क्यों आए हो शो में, बाकी लोग क्यों आए हो शो में, फैन फॉलोइंग नेम फेम दैट्स व्हाई आए ना, तो वो तो उनके पास पहले से है। तो अगर आप यही बोल रहे हो कि फॉलोअर्स आर जस्ट अ नंबर, तो आप खुद फिर क्यों हो फेक फॉलोअर्स समझ रहे हो बेसिकली, वो आप समझ सकते हो, वो आपकी खुद बेसिकली, इन लोगों को जलन मची हुई थी, चिड़ है, जेलसी है, इसमें वो बंदा कैसे इतना ऊंचे मकाम पे है, कैसे मैस्कुलिन एनर्जी समथिंग कुछ बोला ना, ऐसा कुछ भी नहीं है बेबी का, बेबी का ने जब उनको इतनी सारी बातें बोली, मतलब जिन बातों का ना सर था ना पैर था, वैसे भी वो लॉजिकलेस बातें करती है, उसकी वो इंसानी लॉजिकलेस है, कंसोल करने गया, एक मिनट, वो इंसानी लॉजिकलेस है, वो उसको समझा रही है, उसकी बात उसने जो बोला वो नहीं दिखा किसी को, किसी को भी नहीं दिखा वो चीज। बट अभिषेक ने जब खुद के लिए स्टैंड लिया, जब उन्होंने खुद के लिए बोला, वो बहुत चिड़ मच गई आपको कि लड़की से बात नहीं करनी आती, लड़कों ये लड़की से वो औरतों से बात नहीं करनी आती, मुझे समझ आता। पहले तो आप एक मिनट, आप अगर लड़की हो, नहीं आप अगर लड़की हो तो आप लड़कों को कुछ भी बोल सकते हो, ये हक आपको दिया किसने, मेरी पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर आप लड़की हो तो आप लड़के को कुछ भी बोल सकती हो, ये हक किसने दिया उनको, दोनों किसने, अगर आप उनको कुछ बोल रहे हो तो फिर खुद के अंदर भी रखो ना कि वो कुछ बोले तो आप ले सको, अगर आप ले ही नहीं पा रही तो फिर बोलने की क्या जरूरत है। हर सीजन बिग बॉस में वुमेन कार्ड क्यों खेला जाता है, खोखलापन है ये सब दोगलापन है। सिद्धार्थ के सीजन के पहले लेकिन मैंने नहीं देखा था, मतलब बिग बॉस 13 के पहले इतना मैंने नहीं देखा था कि वुमेन कार्ड खेला गया, बिग बॉस 13 के अलग ही वुमेन कार्ड चल रहा है, मतलब बेसिकली चीज ये चल रही है कि अगर वो नहीं अच्छा, किसी भी लड़की ने किसी लड़के को कुछ बोला तो वो चलेगा, वो ठीक है क्योंकि वो लड़की है। फेमिनिज्म में और फेक फेमिनिज्म में फर्क है, और अगर कोई लड़का किसी लड़की को कुछ बोल दे और वो भी अपने खुद को स्टैंड करने, मतलब खुद के स्टैंड पे, ये तो वो गलत के नाम पे कुछ भी बोले जाए, एक्चुअली क्यों, फेमिनिज्म क्या है और फेक फेमिनिज्म क्या है पहले वो समझो, अपने राइट्स के लिए लड़ना दैट्स डिफरेंट थिंग, और बेफालतू का कुछ भी बोल जाना लड़की हो इसीलिए, और इसलिए क्योंकि मैं तो लड़की हूँ मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, अभी बहुत चेंज हो गया, अभी बहुत चेंज हो गया सब कुछ, क्योंकि जब से उन लोगों को ये समझ आया है कि बाहर ना, और जब से ये समझ आया कि बाहर कुछ और ही चल रहा है, तब से एक्चुअली इस सीजन में बेबी का तो बिल्कुल टॉक्सिक लगती है, फलक अविनाश ये तीनों प्रॉपर टॉक्सिक है, पूजा के बट कुछ जो
मैं सच में बोलूं, मैं सच में बोलूं, मुझे मुझे मतलब मैं सच में बोलूं, मुझे पूजा की पर्सनालिटी समझ नहीं आती, क्योंकि कभी वो बहुत अच्छा शो करती है, कभी वो फेमिनिस्ट भी नहीं, सॉरी, कभी वो फेक फेमिनिज्म पे चली जाती है, कभी वो सही बोलती है, कभी वो गलत बोलती है. एक्चुअली वो खुद ही कंफ्यूज है. पूजा की एक चीज सही है खाली कि वो हाँ स्टैंड वो लेती है सबके लिए ही, ये मैंने देखा. अच्छा है, तो जब बेबिका ने उनको ये सब चीजें बोली थी तो तब उन्होंने बेबिका को कुछ नहीं बोला कि ये क्या बोले. एंड जब अभिषेक ने खुद मतलब खुद को स्टैंड करने के लिए, खुद के लिए, खुद के हक के लिए बोला, तो वो उनको लगा कि टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी. पूरा शो हम लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, बट जो जितने क्लिप्स देखे हैं उसमें देखा है कि पूजा जो है वो अगर ऑपोजिट टीम का भी होता है तो कुछ रॉन्ग बोला जाता है, तो मतलब जो कुछ क्लिप्स देखे थे उसमें देखा था कि लिया था ये क्या होता है उसको स्टैंड, क्योंकि वो जो आकांक्षा का और जैद का जो किसिंग का जो वायरल हुआ था बहुत, तब जैद ने एक बात बोली थी आफ्टर दैट, तो उसमें किसी सब हंस रहे थे, उसमें पूजा अकेली थी जिन्होंने स्टैंड लिया था. और भी एक चीज था मैंने देखा था, बट एक दो चीज के लिए हम बाकी सारी चीजों को इग्नोर नहीं कर सकते ना. वो ऑब्वियसली वो खुद को महान वो दिखाती है, दर्शाती है, वो देखा है, वो अपने आप को सोचती है कि बिग बॉस के होस्ट कौन है, सलमान, उनको लगता है कि उनके बाद वो है. शो ने भी बढ़ावा दिया है एक्चुअली. क्यों मेरे को तो अगर सब नहीं, अगर सब कंटेस्टेंट है तो वो भी कंटेस्टेंट है, सबको सेम लाइन पे रखो ना, सेम लाइन पे रखो ना, वो तो रिस्पेक्ट अलग चीज होती है, रिस्पेक्ट अलग चीज होती है और सेम लाइन पे रखना अलग होता है. अगर सारे लोग कंटेस्टेंट है तो वो भी कंटेस्टेंट है, उनका अलग से कोई हक नहीं है. बिग बॉस को बहुत समझे, इस सीजन बिग बॉस अगर इतना देखा जा रहा है, इतना वायरल हुआ है ना, तो अभिषेक की वजह से, अभिषेक की वजह से. एंड दैट सीन जब वो रो रही थी, वो लिटरली उसको पैम्पर करने गया था, एंड उल्टा उसको तुम दूध के धुले नहीं हो, व्हाट इज दैट. एंड अभिषेक वाज क्राइंग, मैंने देखा, मतलब उसको घर की याद आ रही थी. हाँ, तो साइरस थे वहाँ पे, सारे लड़के थे, हाँ, भी था, इवन जैद, जितने लड़के सब गए. अच्छा लगा मुझे कि सारे लड़के एक साथ मिलके बना रहे हैं. एक्चुअली ये सब चीज वैसे भी जो वीकेंड का बारा है उसके बाद ही हुई है, तो आई डोंट थिंक सो किसी का भी कुछ जेन्युइन है, मुझे तो नहीं लगता, मुझे सबका फेक ही लगता है, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ उन लोगों को ये समझ आया है कि बाहर अभिषेक की कितनी ज्यादा फैन फॉलोइंग है और उनको ऑडियंस का कितना प्यार मिलता है. और इसके बाद अब मुझे किसी का भी जेन्युइन लग रहा है, मनीषा को छोड़, जो भी है उन्होंने चेंज किया है, कुछ भी चेंज नहीं किया है, वो सब फेक है, जो भी हो दिखाने के लिए किया हो या जो भी किया, बट चेंज तो किया है ना, सो सब वो अच्छा. सो टिकट इंसान ने भाई सच में धो डाला, और बेबिका ने प्रपोज किया टिकट इंसान को, तो बेबिका जब आएगी तब पता चलेगा कि उनको तो भाई बहुत गंदा रोस्ट किया था. टून टून मौत सी, दैट वाज रियली फनी. नहीं, और ये डॉलिंग की मिक्सचर सो हाँ, हंसी उनकी है एक्चुअली. सो गाइस, मुझे नहीं आता कौन है वो. सो गाइज, इट वॉज आवर रिएक्शन, वी होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना वीडियो को, शेयर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि हम जब भी कोई न्यू वीडियो डाले तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके. अब हम लोग आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय.